टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में उनकी वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी इस बार के आईपीएल से, लेकिन कोरोना के महाप्रकोप की वजह से आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए बीसीसीआई की तरफ से स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह से माही फैंस के मन में एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या धोनी टीम में वापसी कर पाएंगे या फिर अब धोनी के करियर का अंत हो चुका है। ऐसे में धोनी की वापसी को लेकर पहली बार टीम इंडिया के उपकप्तान और धोनी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रोहित शर्मा ने धोनी की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, खबरों की माने तो एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने साफ कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट फिलहाल भारतीय टीम के पास नहीं है। ऐसे में धोनी को टीम से बाहर रखने का सवाल ही नहीं उठता। रोहित ने कहा कि धोनी जब चाहें वो तब टीम का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि धोनी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे। रोहित ने यह भी कहा कि धोनी जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी का वर्ल्ड कप की टीम में होना ज़रूरी है, वरना विदाउट एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को आप अगर खिलाएंगे तो फिर आपको 2019 वाली गलती फिर से दोहराते देख हैरानी नहीं होगी। रोहित ने यह भी कहा कि अगर भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो भारत को महेंद्र सिंह धोनी जैसे मैच विनर्स की आवश्यकता होगी। ऐसे में उनकी वापसी पर सवाल उठाना कहीं से भी सही नहीं है। रोहित ने भी कहा कि धोनी को पता है कि कब किस परिस्थितियों में उन्हें कैसे बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि वो 350 से ज़्यादा वनडे खेल चुके हैं और करीब 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले भी खेल चुके हैं। ऐसे में अगर वो लंबे समय तक टीम से बाहर भी रहते हैं तो भी वो टीम के लिए कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि अगर वो मैच खेलेंगे तो वो बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद रखते हैं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।